नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं जैन। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रविवार से सभी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग लगा सकते हैं कोविड बूस्टर डोज। साथ ही कहा, पहले ही तरह निःशुल्क टीकाकरण जारी रहेगा। अमेरिका का बड़ा बयान, रूस से हथियार खरीदना बंद करो। लेकिन भारत ने साफ कहा कि वो रूस से अलावा कहीं और से हथियार खरीदता है तो उसे पड़ेगा महंगा। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा कि बुलडोजर वही चलाना चाहिए जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो, अतिक्रमण को हटाने के लिए अदालत का कोई आदेश हो या किसी माफिया का आतंक हो। पंजाब के कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह का बड़ा बयान, उन्होंने कहा, आपकी सरकार बनाने के बाद पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। मान सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में नाकाम हो रही साबित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर का ट्वीट हुआ हैक, हैक करने वाले ने अकाउंट की बदल दी डीपी। हालांकि कुछ देर बाद डीपी पर फिर योगी आदित्यनाथ की फोटो आई नजर। प्रयागराज में बिजली चोरी के मामले में कटे कनेक्शन को जुड़वाने गए भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को समर्थकों के साथ आदिवासी अभियंता मनोज कुमार अग्रवाल को दफ्तर की घसीट कर लाल घूसों से जमकर पीटा। अभिनेत्री जया बच्चन पर आरोप, मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 एकड़ जमीन को बेचने के करार से मुकरने कोर्ट ने उन्हें पेश होने को कहा। छत्तीसगढ़ के सनातन गांव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूपेश बघेल पर जमकर बोला हमला, कहा कि बहन बेटी को गलत नजर से देखा तो छत्तीसगढ़ की जनता नहीं करेगी माफ। आपको लगा बड़ा झटका, पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने थामा बीजेपी के दामन। हिमाचल प्रदेश में आपके अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर साथ कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ अब एक और अभियान, जिसमें हिंदुओं मुस्लिम कैब टूर और ट्रैवल की सेवाएं नहीं लेने के लिए कहा जा रहा है। आईपीएल में बेहतरीन ऑलराउंडर में एक और नया नाम राहुल तेवातिया, कहा कि सिर्फ टीम बंदी है तेवर नहीं। तेवातिया एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच का बदला नजरिया। राजस्थान के अजमेर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, सभी धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। अदालत ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब यह लागू होगा। बिहार के नालंदा जिला से हैरान करने वाली बात, नालंदा के एक घर में 40 साल से रहा था युवक, बेच दी करोड़ों की जमीन। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज। नमस्कार।